पोर्टल के माध्यम से देख सकता है कि सीएससी में क्या नया आ रहा है, कितना काम सीएससी कर रहा है। और इसको बनाने के पीछे एक लॉजिक और था, एक लॉजिक ये था कि हमको फिर से ये समस्या आई थी कि हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते पूरे देश में, जैसे मैंने अपने एसपी जी बताया भी था कि हम 5 लाख लोगों के साथ देश में काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारे देश में टैलेंट भी जबरदस्त तरीके का है कि नहीं, लोग क्या करते हैं इस तरह की चीज़ों का गलत फायदा उठा के फ्रॉड भी कर लेते हैं, बदमाशी भी कर लेते हैं। अभी इंदौर में एक केस मुझे पता चला था कि किसी महिला से 5 से 6 लाख रुपये सीएससी के नाम पर किसी कुछ लोगों से बदमाशी कर ली। तो होता क्या है, सीएससी के नाम से उन्होंने पोर्टल बना लिया था और ऐसे बहुत सारे फ्रॉड करते थे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि सीएससी कभी भी अपने वॉलेट के अलावा और कहीं से पैसा नहीं लेते, अगर आपसे कोई मांग रहा है तो आपके साथ लड़ाई कर रहा है ना। तो हमने क्या करा कि सीएससी जानकारी पे जितने भी हमारे यूआरएल थे, क्योंकि हम बहुत सारे यूआरएल के साथ काम करते हैं, तो हमने सारे यूआरएल एक ही जगह रखे। और कभी भी इस बात को ध्यान रखना है कि सीएससी के किसी भी यूआरएल को आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको अपनी सीएससी आईडी से एक बार लॉगिन करना चाहिए। कोई सा भी ऐसा पोर्टल जो सीधा सीएससी के नाम से बना हुआ है और उस पर सीएससी आईडी नहीं मांगी जा रही, मतलब वो पोर्टल गड़बड़ी कर रहा है। तो इसको बीएलई के बीच में अवेयरनेस फैलाने का काम भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इम्पोर्टेंट वेबसाइट क्लिक करो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट वेबसाइट। थोड़ी सी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, गले में प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। ये देखिए जितने भी हमारे यूआरएल है सारे आपको एक ही जगह मिलेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे वहाँ चले जाएंगे। आप क्लिक करो लॉग पे, ये देखिए जैसे ही ये पहले लगा, जैसे इस पे आपने क्लिक किया तो आपको मेन वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये यहाँ पे रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को पता चल जाए इतने सारे यूआरएल सिंगल जगह से आप पता कर सकते। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करो, ये रवि चली, ये लॉगिन पे क्लिक करो, करो लॉगिन।